हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे UPES में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो राउंड है ये थर्ड राउंड है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ओवर हो चुका है, अब थर्ड राउंड की बारी है। थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेलेक्शन क्राइटेरिया सब कुछ बता दिया था, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डेट्स बताऊंगी कि कौन से डेट को क्या होने वाला है। 17 जून से आपका स्लॉट ओपन हो चुका है, 27 जून को इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और आफ्टर 27 आपका 29 और 30 जून को आपका एंट्रेंस होगा। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उसका एंट्रेंस देना पड़ेगा। UPS का एक पर्टिकुलर एंट्रेंस होता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो उसकी डेट 29 जून और 30 जून है। 17 जून 2024 को स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 27 जून। तो आज 25 जून है, अभी भी आपके पास 2 दिन है। आप आराम से UPES के किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो BBA हो, BTech, MBA, LLB, बैचलर इन फार्मेसी। यू कैन अप्लाई इन एनी कोर्स, कोई भी इशू नहीं है। सबकी डेट सेम है। जब आप एंट्रेंस दोगे 29 जून और 30 जून को, तो इसका रिजल्ट 1 जुलाई और 2 जुलाई को आपको इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाए। MBA का एंट्रेंस होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। और अगर आपने कोई और एंट्रेंस दिया है MBA में एडमिशन लेने के लिए, जैसे कि CAT, NMET, SNAP, ZAT, IFT, कोई भी एंट्रेंस आपने दिया है MBA में एडमिशन लेने के लिए, सो उसका स्कोर कार्ड सबमिट करने की लास्ट डेट है 7 जुलाई। 7 जुलाई से पहले आपको अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होगा। फिर जब वो वेरीफाई होगा तब आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हो तो आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस है। जैसे कि अगर आपको BTech का एंट्रेंस देना है तो आपको UPES EAT एंट्रेंस देना होगा। अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर 5 ईयर्स कोर्स, तो आपको UL SET का एंट्रेंस देना होगा। अगर आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको UPES MET का एंट्रेंस देना होगा, जो कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको UPES PAT का एंट्रेंस देना होगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको कौन कौन से एंट्रेंस किस किस कोर्स के लिए है उसकी डिटेल मेंशन कर दी है। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग या इम्पॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, सो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए हैं, आप उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड इफ इन केस अगर आपको कोई भी इशू है, तो मैंने एक फॉर्म का लिंक भी मेंशन किया है। आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो आप उस फॉर्म को फिल करके अपनी सारी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। सो एवरीवन, मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एंट्रेंस है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब कुछ प्लान करना। ये जो थर्ड राउंड हुआ है इसमें अगर आप UPS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। इफ़ इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या क्वेरी है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, आप उस लिंक को ओपन करके जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और आपको कंसल्टिंग के लिए कॉल आ जाएगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।